तो गाइस आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स का रिव्यू करने वाले, जो नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज है जिसके अब तक 3 सीजन आ गए हैं। तो इसका 4th सीजन आने वाला है 2022 में। तो आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वेब सीरीज की स्टोरी है कि एक हमें स्मॉल टाउन की स्टोरी बताई जाती है, जो स्मॉल टाउन का नाम होता है हॉकिंग। और उस टाउन में एक दिन एक विल नाम का लड़का गायब हो जाता है उसकी वजह से। और उस बच्चे को ढूंढने के लिए जो इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, और इस वेब सीरीज में हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर उसके गायब कर देता है। और फिर हमें एक सुपर पावरफुल लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम इलेवन होता है। वो उस लड़के को ढूंढने में मदद करती है। क्या वो लड़के को ढूंढ पाएंगे कि नहीं, आपको जानने के लिए वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। जो हमें इस वेब सीरीज में मॉन्स्टर दिखाए गए जैसे डेमोगॉर्गन और माइंड फ्लेयर, उसके VFX बहुत ही अच्छे। और हमें जब मैंने पहली बार माइंड फ्लेयर को देखा था, मुझे वेनम के मॉन्स्टर की याद आ गई थी, क्योंकि वो पूरा मॉन्स्टर उसके जैसा ही दिखता है वैनम के जैसे। और इस वेब सीरीज के अब तक पूरे टोटल 3 सीजन है, और हमें हर एक सीजन में अलग स्टोरी बताई जाती है, कंटिन्यू स्टोरी नहीं। और वेब सीरीज का season 1 बहुत अच्छा, और season 2 और season 3 को बिल्ड अप करने में बहुत टाइम लगा देते, इसलिए season 2 और season 3 इतना अच्छा नहीं है, पर बोरिंग भी नहीं है। पूरी वेब सीरीज बहुत अच्छी है और नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखने वाली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के season 3 को सिर्फ एक हफ्ते में मोर देन 60 मिलियन व्यूअरशिप ने देखा था, जो इंडिया में बताया जाए तो 6 करोड़ लोगों ने एक हफ्ते में देखा था, जो बहुत बड़ी बात है इस वेब सीरीज की। और ये वेब सीरीज हॉरर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर और साइंस फाई वेब सीरीज है। और इसमें हमें इस वेब सीरीज में season 1 और season 2 में हॉरर इतने अच्छे से नहीं देखने को मिलता, पर season 3 में हॉरर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और इस सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर, जो इस सीरीज की मेन बात है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर इतना अच्छा है वेब सीरीज का, जो आपको मजा आ जाएगा वेब सीरीज देखने में। बैकग्राउंड स्कोर आपको थोड़ा डरा देगा इस वेब सीरीज को। और इसका थीम सॉन्ग तो इतना अच्छा है, क्या ही बात करूं। तो इसका बैकग्राउंड स्कोर ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, एमी अवार्ड्स। और इस वेब सीरीज के कैरेक्टर की डेवलपमेंट की बात करें तो वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है, जैसे हॉपर, लेवन, माइक, स्टीव और डस्टिन की, जो हमें दिखते हैं कितने जल्दी जल्दी उन लोग का माइंड बदल जाता है, कितनी जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ते हैं, कोई भी सिचुएशन में फंसते कैसे वो ढूंढने का रास्ता निकाल लेते हैं। इस वेब सीरीज की ऐसी स्टोरी है कि season 1 में जैसे कोई स्टोरी स्टार्ट हुई तो season 1 में ही उस स्टोरी को खत्म कर देते हैं, और ऐसे season 2 और season 3 में होता है। season 1 में 8 एपिसोड है, season 2 में 9 एपिसोड है, season 3 में भी 8 एपिसोड है। टोटल 25 एपिसोड है इस वेब सीरीज में। और आपको ये वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, आप इस वेब सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हो। हिंदी डबिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी है इस वेब सीरीज की। वेब सीरीज के मेरे फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो इस वेब सीरीज में हॉपर बहुत अच्छा एक्टर है, और उसने बहुत अच्छे से एक्टिंग की, और मेरा फेवरेट करेक्टर। और डस्टिन भी बहुत फेवरेट करेक्टर है मेरा इस वेब सीरीज में। तो इस वेब सीरीज की बात करें तो इसकी एज रेटिंग है 15, और आपको कुछ एपिसोड 18+ देखने को मिल जाएंगे, पर आप ये वेब सीरीज अपनी फैमिली के साथ दे सकते हो। बस इस वेब सीरीज में हॉरर और वॉयलेंस बहुत ज्यादा है। तो इस वेब सीरीज का season 4 आने वाला है 2022 में, और इस वेब सीरीज का हमें टोटल 5 सीजन देखने को मिलेगा, और season 5 इसका लास्ट सीजन होगा इस वेब सीरीज का, जो हमें क्रिएटर्स ने बोला था जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है, जिनका नाम है द डफर जो दोनों ट्विंस भाई है। उन्होंने बताया कि इसका season 5 एंड होगा, और इसकी एंडिंग पहले से लिखी गई है सीजन की। तो इसका मतलब कि इस वेब सीरीज की एंडिंग बहुत अच्छी होगी। जो हमें season 3 में एंडिंग दिखाई जाती है कि हॉपर मर जाता, पर वो रियलिटी में नहीं मरते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हॉपर अभी भी जिंदा है। तो हमें season 4 में हॉपर फिर से देखने को मिलेगा। तो आप ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को क्लिक कर दो टू ऑल। और आप हमारा ब्रेकिंग बैड का भी रिव्यू देख सकते हैं, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।